ما شاء الله تبارك الرحمن، الرجال هذا له 35 سنة كل يوم يجيب فطور يحطه على الفرشة وقهوة وتمرة، والناس يجوا يفطروا له 35 سنة. صاحب القطرة البيض اللي جالس على الكرسي هذا ما شاء الله تبارك الرحمن 35 سنة كل يوم يجيب فطور ونعام الله ويحطه والناس تفطر قهوة وتمر وثلاث أربع أصناف من الفطور، الله يكتب لها الأجر. في سوق الغنم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा ये सऊदी अरब का है। इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर इस शख्स ने टोटल 35 साल काम किया है और फ्री में चाय गहवा फतूर सभी लोगों को वितरित किया है, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देख ही लिया है। इस तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए आपको भी इनकी सराहना करना चाहिए और इनके लिए एक लाइक शेयर भी करना चाहिए। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट सऊदी के मूसा नेट प्लेटफॉर्म की तरफ से, मतलब ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो ये प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से लगातार सुविधा प्रदान की जाती है जो भी नियोक्ता है और जो भी कार्य करता है उनके बीच अधिकार की रक्षा करने के लिए और कार्य करने के लिए। इसमें यहां पर भारतीय कार्यालय ने काफी ज्यादा उल्लंघन किए हैं, इसलिए अभी 8 कार्यालय के जो भी सिस्टम हैं और जो भी उनके ऑफिस हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अगली अपडेट लगेज बैन को लेकर है। अगर आप भी सफ़र करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि जर्मनी एयरलाइंस लुफ्थांसा की तरफ से अपडेट किया गया है कि अगर कोई भी अभी लुफ्थांसा फ्लाइट से अपना सफ़र करता है तो ऐसे में ये अपडेट किया गया है कि जितने भी एयर टाइम्स बैग हैं वो अभी बैन कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि एयरलाइंस जिन्हें रेगुलेशन का हवाला दे रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लाइट का कहना है कि एयरलाइंस को उड़ने में खतरा बन सकता है, इसलिए अभी इसको बैन किया गया है, प्रतिबंध किया गया है पूरी तरह से। अभी ये ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पुष्टि किया गया है, इसलिए ये है अभी प्रतिबंध लगाया गया है।